नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपके सामने आपका अपना दोस्त होस्ट कपिल गोविल आपके अपने यूट्यूब चैनल कैप्स एंड कार टेक पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ब्रेकिंग सिस्टम्स की बात हमारे पास काफ़ी टाइम से चली आ रही है और आज हमारे पास एक नया ब्रेकिंग सिस्टम है जिसे हम नाम देते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रैक्शन मीन्स ज़मीन पर पकड़। सो कभी कभी ऐसी जगहों पर हम ट्रैवल करते हैं, बरसात का मौसम है या स्लिपरी स्पेस है या रोड पर कहीं ऑयली सर्फेसेस है या स्नोई सर्फेस है, उस कंडीशन में जब हम गाड़ी को ड्राइव करते हैं और हमारी गाड़ी का कोई भी टायर किसी ऐसे सर्फेस पर आ जाता है जहां पर उसकी ग्रिप लूज हो जाती है, उस कंडीशन में गाड़ी की ज़मीन पर पकड़ छूट जाती है, जिसे हम नाम देते हैं कि गाड़ी के टायर का ट्रैक्शन ख़त्म हो गया या गाड़ी के टायर का ट्रैक्शन ज़मीन से कम हो गया है या गाड़ी की रोड से पकड़ छूट गई है। उस कंडीशन में गाड़ी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, अपने ट्रैक से बाहर जा सकती है, कंट्रोल से बाहर जा सकती है, मिसहैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि अभी भी इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी रोड्स हैं जो सिंगल रोड्स हैं जिनके बीच में डिवाइडर्स नहीं है और कभी कभी सामने से आती हुई गाड़ी को जब हम पास देने की कोशिश करते हैं तो बरसात का मौसम है और कभी कभी हमारी गाड़ी का जो एक व्हील है या टायर है वो रोड से नीचे आ जाता है और उस समय रोड से नीचे की सर्फेस जो होती है वो गीली मिट्टी है, अगर वहाँ पर कुछ पानी भरा है तो उस कंडीशन में वो टायर स्लिप हो सकता है और गाड़ी की टायर की रोड से पकड़ छूटते ही गाड़ी का डायरेक्शन या गाड़ी की कंट्रोल हमारे हाथ से जा सकती है और मिसहैपनिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। उस कंडीशन में इस तरह के सरफेस पर गाड़ी को ड्राइव करने के लिए या इस तरह की सिचुएशन से बाहर आने के लिए गाड़ी में एक स्पेसिफिक सिस्टम दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो गाड़ी के टायर की ज़मीन पर पकड़ बनाने में मदद करता है। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि कभी किसी ऐसी जगह पर गाड़ी फंस जाए जहाँ पर गीली मिट्टी है तो उस कंडीशन में गाड़ी के टायर रोल करते हैं बट गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। जैसे जैसे आप गाड़ी को एक्सेलरेट करते जाते हैं व्हील्स की स्पिनिंग फास्ट होती चली जाती है बट गाड़ी अपने सरफेस से आगे पीछे नहीं होती, उसी जगह पर उसके व्हील्स रोटेट करते रहते हैं और गाड़ी धीरे धीरे और अंदर की ओर जाने लगती है। तो उस कंडीशन में गाड़ी को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? मीन्स डेफिनेटली कहीं से कोई पत्थर वगैरह लेके आते हैं, कोई सॉलिड स्टफ लेके आते हैं जो गाड़ी के टायर के आगे लगाते हैं और उसके बाद गाड़ी को एक्सेलरेट जब करते हैं गियर यूज़ करने के बाद तो गाड़ी एक जर्क लेती है और आगे की तरफ जंप सी करती है और उसके बाद हम गाड़ी को तब तक नहीं रोकते जब तक कि गाड़ी उस डिफरेंट टाइप के सर्फेस से या उस स्लिपरी सर्फेस से बाहर न निकल जाए। बट उस कंडीशन में गाड़ी जो है वो जिगजैग करती है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स का बिहेवियर करती है और हमारे कंट्रोल से बाहर भी जा सकती है। सो उस कंडीशन में गाड़ी से मिसहैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए ज़रूरी है कि गाड़ी के अंदर खुद एक ऐसा सिस्टम हो जो इस तरह के सर्फेसेस में भी गाड़ी को आगे ड्राइव कराने में हेल्प करे। इसी व्यवस्था को, इसी सिस्टम को नाम दिया जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। सो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम काम कैसे करता है? तो जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी का कोई भी व्हील एक ऐसे सरफेस पर आ गया जहां पर उसकी पकड़ जमीन से छूट जाती है, मींस मड में आ गया या वाटरी सरफेस पर आ गया या स्लिपरी सरफेस पर आ गया, तो उस कंडीशन में गाड़ी के उस व्हील की स्पिनिंग यानी स्पीड बाकी के तीन व्हील से ज्यादा हो जाती है। जैसे ही गाड़ी के चार में से किसी भी एक व्हील की स्पिनिंग बाकी के तीन व्हील से ज्यादा हुई, गाड़ी का ECM समझ जाता है कि बॉस ये वाला टायर अब जो है वो ज़मीन से स्लिप हो गया है, क्योंकि गाड़ी के टायर में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जैसे व्हील स्पिनिंग सेंसर, व्हील लोड सेंसर। तो जैसे ही उसकी स्पिनिंग फास्ट होती है तो ECM को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बॉस चार में से एक टायर की स्पीड जो है वो बढ़ गई है। तो जैसे ही स्पीड बढ़ गई है मींस कि टायर की सड़क से या ज़मीन से पकड़ कमज़ोर हो गई है या छूट गई है, उस कंडीशन में ECM ब्रेकिंग सिस्टम को आदेश देता है कि टायर की या व्हील की स्पीड को कंट्रोल करो। तो उस कंडीशन में जैसे ही गाड़ी का टायर ज़्यादा स्पीड में आता है तुरंत ही उसके ऊपर ब्रेक सप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। अब चार में से एक टायर की स्पीड ज़्यादा है
जैसे ही उसकी स्पीड ज़्यादा हुई उसके ऊपर ब्रेक सप्लाई हुआ, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जब ब्रेक सप्लाई होता है तो गाड़ी के उस टायर को एक जर्क मिलता है, एक धक्का सा मिलता है, जिसकी वजह से वो टायर आगे की ओर मूव करता है और उस कंडीशन में दूसरे वाले टायर जो ज़मीन पर है वो गाड़ी को आगे खींचने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन में जब आप गाड़ी पर ड्राइव कर रहे हैं और आपकी कार में इस तरह की व्यवस्था है जिसे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम है, बिकॉज गाड़ी तो आप ड्राइव कर रहे हैं, आपका पैर एक्सेलरेटर पैडल पर है। उस कंडीशन में टायर जब स्लिप होता है तो ब्रेकिंग सिस्टम जब काम करता है पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टायर पर जिसकी ज़मीन से पकड़ छूट गई है, तो इंजन के RPM को भी गिराया जाता है, साथ ही साथ EBD सेंस करता है कि उस टायर पर कितना ब्रेक फोर्स देना है, उतना ब्रेक फोर्स उस टायर के ऊपर दिया जाता है जिसकी वजह से वो टायर एक जर्क के साथ आगे बढ़ता रहता है। ऐसा ही जो है वो चारों टायर्स पर होता है। जब भी आप गाड़ी को किसी भी तरह के सरफेस में ड्राइव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो भी टायर स्लिप होता है उस पर ये एक्टिविटी या उस पर ये ब्रेकिंग सिस्टम एप्लीकेबल होता है या अप्लाई किया जाता है, और इस स्लिपरी सरफेस पर भी गाड़ी बिना आपको किसी भी तरह का एहसास कराए हुए, बिना किसी तरह के जर्क दिए हुए ईजिली आगे मूव करती रहती है, और आप स्लिपरी सरफेस पर भी अपनी गाड़ी के साथ पूरा कमांडिंग पोजीशन में गाड़ी को कंट्रोल करते हुए अपने और अपने फैमिली की सेफ्टी को बनाए रखते हैं। सो ये था आज का नेक्स्ट टॉपिक, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। और इसके साथ ही साथ फिर से एक बार आपका कपिल गोविल आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि प्लीज़ हमारे अपने चैनल कैब्स एंड कार टेक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे सकते हैं ज़रूर दीजिए। अगर हमारी तरफ से कोई आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है पैसेंजर कार्स के रिगार्डिंग तो उसके बारे में हमें कमेंट कीजिए। हमारी अगर कोई त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो उसे भी प्लीज़ करेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दीजिए। इसी के साथ ही आपका अपना दोस्त कपिल गोविल आपसे विदाई चाहता है। नमस्कार।